अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुक विद गुलनास हमारी टी। रेसिपी है चिकन टिक्का कबाब। तो चलिए शुरुआत करते हैं रेसिपी की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे मैंने 400 ग्राम चिकन ले लिया था और उसके अंदर मैंने 1 टीस्पून अदरक लहसुन पेस्ट, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर डालकर उबाल लिया था। फिर हम एक पैन लेंगे, उसके अंदर हम 1 टीस्पून तेल और थोड़ा सा बटर डालेंगे। उसके अंदर हम 1.5 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर उसे अच्छे से भून लेंगे। तो ये भूनने के बाद हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून या 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून जीरा पाउडर डालेंगे, 1/2 टीस्पून गरम मसाला डालेंगे और 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून नमक। ये सब डालकर हम अच्छे से मिला लेंगे। तो इसके बाद में हम इसके अंदर 2 टेबल स्पून गाढ़ी दही डालेंगे। गाढ़ी दही डालने के बाद में हमें थोड़ा सा नींबू का रस डालना है इसके अंदर और ये डालकर भी हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। फ्लेम हमें मीडियम पर रखनी है, हाई या लो, बहुत लो नहीं रखनी है, मीडियम पर रखनी है। तो ये सब चीज़ें हमें अच्छे से मिक्स कर लेनी है। तो यहाँ पे मैं मिक्स कर रही हूँ। इसको हमें एक उबाल आने देना है और उबाल में ही हमें 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी इसके अंदर डाल लेना है। और जो चिकन हमने उबाल लिया था उसके रेशे करके इस तरह से हमें जो हमारी ग्रेवी है उसके अंदर मिला लेना है। तो अच्छे से मिला लेंगे हम। अब इसके बाद में हम इसके अंदर 2 उबले हुए आलू डालेंगे। तो 2 उबले हुए आलू हमें डालने हैं और अच्छे से मैश कर लेना है। और ये मैंने 1 टीस्पून चाट मसाला डाला है ऊपर से और थोड़ा हरा धनिया भी डाला है। और अब इन सब चीज़ों को हम हाथों से अच्छे से मिला लेंगे। आलू के बिल्कुल भी बड़े बड़े टुकड़े नहीं रहने चाहिए, बहुत ही अच्छे से, जैसे हम आटा गूंदते हैं वैसे आपको ये सारी चीज़ें एक साथ में गूंद लेनी है। तो ये गूंदने के बाद अब मैं दोनों हाथ हथेलियों को तेल लगाकर इस तरह से एक गोला बना लूँगी जो मिक्सचर है हमारा उसका, और फिर उसको हमें चपटा कर लेना है। इसी तरह से सारे कबाब हमें बना लेने हैं। ये बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, जिस तरह से हम सारे कबाब बनाते हैं वैसे ही बनाने हैं। तो यहाँ पे देखिए, तो ये कबाब हमारे तैयार है बनाकर। अब हम इसे कोट करेंगे, जिसके लिए हमने एक अंडा ले लिया है, 1/4 टीस्पून उसके अंदर नमक ऐड किया है और ब्रेड क्रम्स ले लिए हैं। अगर आपके पास ब्रेड क्रम्स नहीं है तो आप बटर क्रम्स ले सकते हैं। तो एक हाथ से हमें कबाब अंडे में मिलाना है और दूसरे हाथ से उसे कोट करना है ब्रेड क्रम्स या बटर क्रम्स से। दोनों चीज़ों के लिए आपको एक हाथ इस्तेमाल नहीं करना है, नहीं तो आपका जो हाथ है वो पूरी तरह से जो है वो चिपचिपा हो जाएगा और आप आगे के कबाब आप सही तरीके से कोट नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से आपको कोट कर लेना है। तो ये देखिए, अच्छे से कोट हो चुका है। आप सारे कबाब इसी तरह से कर ले, देखिए हाथ बिल्कुल साफ़ है। और इसी स्टेज पर आप इन्हें फ्रीज करके रख सकते हैं एक एयर टाइट कंटेनर में या बैग में। तो ये आप 1 से 2 हफ्ता आप रख सकते हो फ्रीज करके। तो यहाँ पे देखिए, मैं इसने फ्राई कर रही हूँ, इससे पहले भी मैंने इसके अंदर कबाब फ्राई किए थे इसलिए तेल ऐसा है। तो यहाँ पे हमें ये कबाब डाल लेने हैं और क्योंकि इसके अंदर की सारी चीज़ें पकी हुई है तो हमें इसे बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सिर्फ कलर चेंज होने तक, ऊपर का क्रस्ट क्रिस्पी होने तक हमें इन्हें फ्राई करना है। तो 2 मिनट अगर आप मीडियम फ्लेम पर फ्राई करते हो इन्हें तो बस हो जाता है, और पलट के भी आपको 2 मिनट और फ्राई करना है। तो मैं आपको बताती हूँ अंदर से ये कबाब कैसे हैं। ये बहुत ही जूसी और यमी बनते हैं कबाब, देखिए। और जो चिकन का जो रेशा है वो भी खाने में बहुत अच्छा लगता है इसके अंदर। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें। आई होप कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ज़रूर कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।